मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको नमस्कार करता हूँ। ये जगह जो प्रभु हमारे लिए दिया है, नालू मावड़ी में हमारे सेवकाय के अंदर प्रभु हमारे लिए दिया है। हमारा बड़ा भवन बनाने के पहले इसी जगह में हम लोग इकट्ठे होके प्रार्थना करते थे। धीरे धीरे लगभग यहाँ पर 30,000 लोग आने के चलते ही परमेश्वर नया जमीन को दे के वहाँ पर बनाने के बाद वहाँ हमें ले गया था। इसी मंच पर खड़ा होकर परमेश्वर के वचन को मैं बहुत बार यहाँ पर प्रचार किया। बहुत भक्त लोग यहाँ पर आकर भी प्रचार किए। इस मैदान में प्रभु बहुत अद्भुत काम करके सब लोगों को महिमा करके अपने नाम को प्रकट किया। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? ये जहाँ हमें मिलने के पहले हम लोग दूसरे जगह में आराधना करते थे, हमारा जगह नहीं है। ये जगह पूरा जंगल जैसे पूरा भरा हुआ था। प्रतिदिन यहाँ 5 बजे में प्रार्थना करने के लिए बाइबल के साथ यहाँ आता था। यहाँ पर आके मैं बहुत आंसू बहा के प्रार्थना करते थे। लोग बोलते थे, क्यों आंसू बहाना है? लोग बोल के इस प्रकार ठट्टा करते थे। यीशु के प्यार को देखने समय आपको अपने आप से आंसू आ जाएगा। मेरे दूल में से उसने उठाया, इतना प्यार किया है प्रभु। आत्माओं के चलते, बोझ के चलते आपको आंसू निकलेगा। यीशु भी आंसू बहाया। पौलुस आंसू के साथ प्रार्थना किया, आत्माओं को देखने समय आंसू निकलेगा। बाइबल को पढ़ने समय उस वक्त आनंद का आंसू निकलता है। भजन संहिता 119 का 97 वचन में कहता है, आहा, मैं तेरे व्यवस्था में कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तेरे व्यवस्था में जब कोई भी मैं यहाँ आता हूँ, बाइबल के साथ आते हैं, यहाँ बहुत अंधेरा था। जब बयान हो जाता है, घुटना में होकर बाइबल निकाल कर मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। इस वचन में मेरे आंसुओं से भरा हुआ है, क्योंकि बाइबल से मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ। जितना यीशु मसीह को प्यार करता हूँ, उतना ही इस वचन से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। दिन भर का ये अध्ययन है, प्रतिभोर जो इस वचन को मैं पढ़ता हूँ ना, उस वचन मेरे दिल में, मेरे मन में दिन भर बात करते रहता है। काम करने से में, पढ़ने से में, जहाँ कहीं भी जाएंगे, इस वचन आपके दिल में बात करते रहेगा। पूरा दिन का अध्ययन है। इस वचन को पढ़ने से आपके मन से अपने आप से आंसू निकल जाएगा। ये वचन आपसे बात करता है, कैसे आपके आंखों से आंसू नहीं निकलेगा? परमेश्वर की वाणी को सुनने बाद कैसे आपके आंखों से आंसू नहीं निकलेगा? उसको अनुभव करने से ही मालूम। एक आनंद का, एक उत्साह देने के अच्छा अनुभव है प्रभु के उपस्थिति में आनंद रहना। इसलिए परमेश्वर के वचन में प्रथम स्थान देना चाहिए। आप प्रतिदिन, भाई जो है वॉक विद जीसस में प्रचार करता है, ये काफी है बोल के ऐसे नहीं रहना। आप लोग प्रतिदिन उठ के 1 घंटा कम से कम प्रार्थना दुआ करना चाहिए। कम से कम 15 मिनट घुटना में इस वचन को पढ़ना चाहिए, ठीक है? ये सब नहीं करेंगे, मोहन सिलासर वचन देते हैं, यही काफी करके बोलते हैं, इसका मतलब गलती करते हैं। आप उत्साह होने के लिए इस प्रकार के प्रचार को सुनते हैं, ठीक है? लेकिन आप अकेले में बैठकर बाइबल खोलकर वचन को पढ़कर अध्ययन करके प्रार्थना करना चाहिए। गलती कर दिए हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, उसको पाप के रूप में जानना है। प्रतिदिन आपको तड़के में उठ के वहां जाकर 5 बजे उठ के प्रार्थना करना है। कोई कोई आप जानते हैं 3 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं। 5 बजे उठ जाना, ये कम से कम पहले प्रथम स्थान प्रभु को देना चाहिए। वचन को अध्ययन करने समय बहुत दिल में आनंद और खुशी आएगा। खुदा, जिस वचन ने हमारे लिए दिया है, उस बात के लिए धन्यवाद हो प्रभु। ये मधुर वचन, ये जीवित वचन, मधु से भी जो मीठा वचन प्रभु जो हमारे लिए दिया, उसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। प्रतिदिन इस वचन को अध्ययन करने के लिए मदद कीजिए। इस वचन के द्वारा रोज हमसे बात कीजिए प्रभु। आज के बाद दिन रात इस वचन को अध्ययन करने के लिए प्रभु जी अपने आप को अर्पण करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। आमेन, आमेन।